तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपको जाना है बैकग्राउंड वाले टूल्स पे। बैकग्राउंड वाले टूल्स पे जाने के बाद आपको कर लेना है ये वाले कलर्स को सिलेक्ट। इसके बाद आपको जाना है टूल्स वाले आइकन पे। टूल्स वाले आइकन पे जाने के बाद आपको जाना है फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन पे और रोटेट मोड पे क्रॉप कर लेना है। फोटो को क्रॉप कर लेने के बाद आपको जाना है एड फोटो टूल्स वाले आइकन पे, रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाके आपको टाइप कर लेना है 3000। 3000 टाइप कर लेने के बाद कर लेना है रिसाइज। रिसाइज कर लेने के बाद आपको जाना है फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कर लेना है मॉडल के फ़ोटो को ऐड। मॉडल के फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जाना है फिर से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे। ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको कर लेना है दानी जैन के फ़ोटो को ऐड, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद जाना है आपको लेयर्स वाले ऑप्शन पे और मूव डाउन कर देना है और इसकी ऑक्सिटी को थोड़ा सा घटा लेना है। ऑक्सिटी को घटा लेने के बाद इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद जाना है आपको इरेज वाले टूल में। इरेज वाले टूल में जाने के बाद आपको नीचे के साइड से थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना है। इसकी ऑक्सिटी को और हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है। कम कर लेने के बाद इसे नीचे की ओर से घटा लेना है, हटा देना है। इसके बाद आपको जाना है टेक्स्ट वाले पीएनजी पे और यहाँ से आपको लिख लेना है मिस यू दानिश, या जो भी लिखना है आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद इसे डन कर देना है। इसके बाद आपको जाना है टेक्स्ट वाला पीएनजी को अच्छी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जाना है स्टॉक वाले पीएनजी पे और इसे रेड कलर कर लेना है। आपको जो कलर करना है वो कलर कर लेना है। इसके बाद स्पेयरिंग को थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके जब बाद जाना है कलर्स वाले आइकन पे और अपने मन का चूज कर कलर को चूज कर लेना है। इसके बाद आपको ऑसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है और आप देख सकते हो फोटो कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।